हेली हेलीकॉप्टर बेटा, चॉपर है, चॉपर चॉपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? हम लोग तो अब पहले से ठीक हैं दोनों ही, और सुबह के 10:30 होने वाले हैं और मैंने नाश्ता नहीं करा अभी तक, क्योंकि ये मैडम जी मुझे करने नहीं दे रही है। इसको गोदी की आदत पड़ गई है, और मतलब गोदी की आदत वैसे नहीं पड़ी है, जैसे कि सपोज़ करो मैं काम कर रही हूँ और ये जगी भी है, तो इसको लगता है कि मैं घूम रही हूँ और मुझे ये कोई उठा नहीं रहा है कोई भी, तो इसको मुझे गोदी में लेना पड़ता है, ऐसे प्यार करना पड़ता है कुक्कू जी को। और नाश्ता बनाऊँगी, मैंने प्रिपरेशन तो थोड़ी बहुत कर रखी थी और बनाना है बस उसको, चाय वगैरह बनाऊँगी, तो वो मैं दिखाऊँगी भी आपको कि आज मैं क्या ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो कुकु मैडम, कुकु जी, मैं चला जाऊँ क्या नाश्ता बनाने? चला जाऊँ क्या? आपने तो तल लिया नाश्ता, मम्मा कैसी करेगी? मम्मा कैसी करेगी? मैं बता देती हूँ, एक्चुअली हम दोनों को ही वायरल हुआ था। कुकु का तो ये था कि कुकु मेरे वजह से हो रही थी प्रॉब्लम, क्योंकि वो फीड, मैं उसे फीड कराती हूँ तो मेरा दूध पीती है, तो इसलिए उसको इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे साथ कंडीशन ये हो गई थी कि मुझे वायरल हो गया था, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि हेडेक, फिर खांसी जुकाम और ऊपर से फीवर भी हो गया, तो बॉडी इतना पेन कर रही थी, कर तो अभी भी रही है लेकिन उससे परसेंटेज कम हो गई है जो पहले था। अभी भी थोड़ा सा मेरा बॉडी में पेन है, बैक में पेन हो रहा है, पैरों में पेन हो रहा है, और हेडेक कोल्ड के वजह से हो रहा है, क्योंकि कोल्ड अभी पूरी तरह से गया नहीं है। मेडिसिन वगैरह प्रॉपर चल रही है मेरी, 3 टाइम की, कोको की भी चल रही है 3 टाइम की। कोको की मैं दवाई दे चुकी हूँ, मुझे लेना है, अभी 10:15 हो रहे हैं, 10:30 होने वाले हैं, तो बस अब मैं जाती हूँ फटाफट नाश्ते की तैयारी करती हूँ, क्योंकि ये काम नहीं करने देगी। आपको दिख भी रहा होगा मेरी आँखें थोड़ी सूजी हुई हैं, क्योंकि मुझे फीवर जो है बार बार कभी आ रहा था कभी जा रहा था, और मैं प्रॉपर नींद भी नहीं ले पा रही थी, रेस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बच्चा छोटा है मेरा, अभी उसको भी टाइम देना पड़ता है, उसके सारे काम होते हैं, फिर खाना वगैरह ये सब कुछ, तो इस वजह से मैं अपने पे बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाती, नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, इस वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। पर अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैं प्रॉपर व्लॉग भी बना पाऊँगी और उसे एडिट भी कर पाऊँगी, क्योंकि एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था इस चक्कर में। हाँ जी, आप ही कह लो, आप ही बोल लो, मम्मा तो बोली नहीं कुछ। बहुत शैतान हो रहा है तू बेटा, बहुत शैतान हो रहा है कि अंशा बेटी। कुकु के देखे बाल आ चुके हैं काफ़ी हद तक, इसके जब ये इस मतलब इसका जब बर्थ हुआ था, ये पैदा हुई थी तब इसके बाल काफ़ी अच्छे थे, फिर ट्रिमर से हमने हटवाए थे एक बार, और उसके बाद ये बाल आए हैं इसके, तो अभी हम सोच रहे हैं कि इसको एक बार और टकला करवा दें, टक्कू टक्कू हो जाएगा मेरा बेटा पीछे। तो मैं आशीष से बात करूँगी इस बारे में कि हम कब प्लान करेंगे इसे टकला करवाने का वैसे। तो चलिए गाइस, मैं नाश्ता बनाती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ आज। ज़्यादा कुछ खास तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर भी हेल्दी है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए कभी घर में, ठीक है? तो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और आज मैं बना रही हूँ छोले की चाट, काफ़ी मतलब इसको सैलेड भी बोल सकते हैं एक तरह से, या फिर सैलेड में तो सब्ज़ियाँ ज़्यादा होती हैं, तो ये छोले की चाट ही बोल लो, ठीक है? तो छोले की चाट बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ, और थोड़े से मैंने आज फ़ैन लिए थे, फ़ैन समझ गए ना, पापे बोल सकते हो, नहीं पापे नहीं बोलते उनको, फ़ैन ही बोलते हैं, तो वो लिए थे, वो खाऊंगी। अभी मैंने छोले सुबह ही उबाल दिए थे, ठंडे हो गए हैं, तो इनकी चाट बनानी है, प्रिपरेशन मैंने करी थी तो कट कर लेते हैं वेजिटेबल।
और बनाते हैं इसको। और मैं शक्ल से तो नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैं नहाई हूँ, लेकिन मैं नहा चुकी हूँ। थोड़ी सी तबीयत ढीली है मेरी, तो इस वजह से नहीं लग रहा होगा आपको, पर मैं नहा ली हूँ। पूजा वगैरह सब होते, मतलब अधिकतर काम मेरे हो गए थे, बस मेरा नाश्ता नहीं बना था, तो वो अब बना के जल्दी जल्दी करूँगी, फिर दवाई लेनी है। तो ये रहे मेरे छोले जो कि मैंने इसमें निकाल लिए हैं, और वहाँ बन रही है मेरी चाय। मैं इसमें सिर्फ प्याज, एक हरी मिर्च, टमाटर और नमक और बिल्कुल मामूली सी हल्दी, हल्दी मैं इसलिए कह रही हूँ कि गर्म रहेगी, ठीक रहेगा, बिल्कुल मामूली सी, तो इसमें काट लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो गाइज मैंने रेडी कर लिया है ये, और इसमें मैंने गिराया प्याज, टमाटर, हरी मिर्च जो कि मैंने आपको बता भी दिया था, थोड़ा सा मैंने गिराया हरा धनिया, और मैंने इसमें कुछ नहीं गिराया, बिल्कुल चुटकी भर मैंने हल्दी गिरी है और नमक गिरा है। नींबू और चाट मसाला मैंने नहीं गिराया है क्योंकि दोनों ही चीज़ें खट्टी होती हैं, खट्टी भी मुझे थोड़ी अवॉइड करनी है। और मैंने इसको टेस्ट करके देख लिया है तो ये बहुत अच्छी लग रही है। आप भी, आप लोगों घर में बनाओगे तो आप नींबू वगैरह भी ऐड कर सकते हो, तो वो ज़्यादा और टेस्टी टेस्ट बढ़ा देता है इसका। तो अभी मैं इसको खाऊंगी और चाय मेरी बन गई है। तो चलिए गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं। कुकी, मेरा बेटा कुकी है, सोना लड्डू है। कुकु शा, कुकु हेलीकॉप्टर बेटा, चॉपर है, चॉपर, चॉपर, नो नो नो, डरना नहीं, चॉपर की आवाज है कुकी, चॉपर, चॉपर है बेटी, उड़ते रहते हैं ऊपर, चॉपर उड़ते रहते हैं ना ऊपर, उसे डरते नहीं है, ठीक है। तो नाई नाई करने चले हम, नाई नाई मेरे बेटे की, नाई नाई कुकी। आवाज अच्छी लगती है क्या आपको, ये वाली आवाज? अली क्यूटी स्माइल, अली क्यूटी स्माइल। कुकी चलो नाई नाई करके आते हैं, फिर मिलेंगे, ठीक है, नाई नाई के बाद चुंदा चुंदा बन जाएंगे हम, और चुंदा चुंदा बन जाएंगे भाई, और चुंदा चुंदा बन जाएंगे भाई। ओके, तो गाइस कुकू की नई नई हो गई है डन, है ना कुकू? और मैंने कुकू के काजल लगाया था, वो ज्यादा लग गया तो पोंछ दिया, अब ये काली भूत हो गई है। ना ना के भी मैंने सब नुकसान कर दिया बेचारी का। नो, अब कुकू के, ये कुकू के नए नए कपड़े हैं भाई, ये बुआ ने दिए थे, छोटी वाली बुआ ने, थैंक यू बोलो उनको, थैंक यू बुआ। तो गैस अभी तो इसका हो गया है नहाना धोना, अब मैं इसको सुला देती हूँ, उसके बाद मुझे और काम करना है, खाना बनाना है। यस यस, अभी नहला रही हूँ, नहला रही हूँ, नहला, वो सॉरी, नहला रही हूँ कह रही हूँ, सुला रही हूँ, सुला रही हूँ, ठीक है। तो चलिए गैस इसके सोने के बाद मिलते हैं आपको, ठीक है। गुड इवनिंग गाइस, कुकू सो के उठ गई है, मामा का भी काम खत्म हो गया है, अभी अभी एडिटिंग करके निपटी, एडिटिंग खत्म हो गई है, मतलब चल रही है अभी, तो फिर वीडियो अपलोड करनी है। शाम हो गई है और कुकू भी जग गई थी। कभी कभी कुकू के साथ ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है मुझे, उसे गोदी में लेके बैठे रहना पड़ता है, या फिर मैं उसको लिटा देती हूँ फीड करा के, तो वो खेलती रहती है अपना,
तो इसी तरह से मैं अपना काम मैनेज करती हूँ। हाँ, आशीष भी कुछ किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए वो मेरी हेल्प, वरना होते हैं तो हेल्प कर देते हैं इस चीज़ में, तो कुकू को संभाल लेते हैं, मैं तब तक काम कर लेती हूँ अपना, पर अभी नहीं है तो मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। है ना कुकू? मम्मा आपका अच्छे से ध्यान रखती है कि नहीं? बताओ सबको। बता दिया, खांसी कर दी। हेलो कर दी खांसी मैंने। ओ हाथ फंस रहा है बेटा आपका। रुको 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 रुको, हाथ फंस गया, हाथ फंस गया, हाथ फंस गया। निकाल दिया मम्मा ने, निकाल दिया मम्मा ने। अब कुकु घूमने का टाइम हो रहा है, तो थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ उसको, क्योंकि आशीष आने वाले होंगे, शायद उनको ड्यूटी जाना है नाइट ड्यूटी, तो आज तो मैं इसको पॉसिबल नहीं है घुमा पाऊँ, तो मैं इसको बाहर ही थोड़ा सा अपने घर के जो आंगन है हमारा उसमें वॉक करा लेती हूँ, मतलब मैं खुद वॉक करती हूँ, थोड़ा घूम लेती है, इसको भी फ्रेश फील होता है क्योंकि घर में पूरा पूरा दिन बोर हो जाते हैं। हाँ चल रहे, चल रहे, ओके ओके, मैं समझ गई, मम्मा समझ गई, चल चलते हैं। कुकू को मैं ऐसे लेटा देती हूँ और ये पलट पलट के कहीं भी चली जाती है, इसके टॉयज सारे फैले हुए हैं। और मैंने अपने पति के लिए तरबूज काटा है, उन्हें जाना है नाइट ड्यूटी, खाना मुझे बनाना है, तो खाने की प्रिपरेशन करती हूँ, ठीक है ना गाइस? कुकू तो गाइस अब मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी पे, निकल रहे हैं। ये रही कुकू, पापा को बाय बाय करते हुए। तो गाइज आज का दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, देख लीजिए आप। क्या? हाँ दिख रही है, अपनी बाइक का इतना शौक है इनको, उसको पूरा मॉडिफाई करवा रखा है लाइटिंग से। नाइस, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाय, पापा को बाय कर दो बेटी। तो गाइज ये दिन भी ख़त्म हो गया और आशीष तो अब बहुत लेट आएंगे, क्योंकि नाइट ड्यूटी जब भी लगती है तो वो समथिंग 1 या 2 बजे से पहले नहीं आते हैं, तो हम लोग तो सो जाएंगे, वो जब आएंगे तो मुझे उठना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनको पानी वगैरह पूछना पड़ता है या फिर कुछ और चीज़ चाहिए हो, तो उसके लिए मुझे उठना पड़ता है। कभी कभी उठ जाती हूँ, कभी कभी नहीं उठ पाती हूँ, वो गेट लॉक नहीं हो रहा। 1 मिनट, 1 मिनट, कुकु गेट बंद नहीं हो रहा बेटे, बंद हो गया। तो चलिए गाइस ये दिन भी ख़त्म हो गया है, और व्लॉग में कुछ ज़्यादा खास तो नहीं था इस वाले में, क्योंकि मैं आज कहीं जा नहीं पाई, आशीष की जब मॉर्निंग लगती है तो नाइट भी लगती है, कभी कभी रेयर केस हो जाता है कि कैंसिल हो जाती है, अदरवाइज़ नाइट ड्यूटी कंपलसरी है। तो अभी तो मम्मी और बेटी अपना मी टाइम लेंगे और इन्जॉय करेंगे एक दूसरे के साथ। इन्जॉय तो कुछ नहीं होता है, बस इसको थोड़ा बहुत खिलाऊंगी, खुद खाना खाऊंगी, फिर सो जाऊंगी। तो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही था, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा इसको, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर देना, प्लीज़ बहुत सारा शेयर कर दो, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करके बिना मत जाना। ओके गाइज गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए सब। ओ बोतम मामा की लग गई छोनी। हाँ लग गई गाय, अपने फ्रेंड्स को नहीं बोलोगे आप कि सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल? कर दो ना प्लीज़, कर दो गाइज। मैं ये कह रही थी कि ब्लॉग थोड़ा सा बोरियत भी वाला हो सकता है, मैं आपको कहीं ना कहीं बोर कर देती हूँ, भाई मेरा सही बोलता है,
लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है ना कि मैं मेरा पूरा दिन का यही रूटीन होता है, मैनेज मुझे ऐसे ही करना पड़ता है सब चीज़ों को। तो आप भी थोड़ा सा इस वीडियो को मैनेज कर लीजिएगा, मतलब वो कर लीजिएगा। बाकी मैं जब भी आशीष की छुट्टी होए करेगी या फिर उनको टाइम मिले करेगा तो मैं यहाँ के आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करूँगी जो कि मैं कर ही रही हूँ। तो एंजॉय कीजिएगा, अभी थोड़ा परेशान करिए। चलिए गाइस, बाय बाय, अपना सब ध्यान रखिए, बाय, गुड नाइट, बाय गाइस, कुकू, बाय 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 बाय। तो गाइस देख लीजिए इसकी हालत, मैंने काजल लगाया था, सारा मुंह काला कर लिया इसने अपना। सॉरी मुझे हिचकी आ गई। क्या करा है कुकू ये आपने? क्या किया बेटा? एक तो वैसे ही मुझे काजल लगाना नहीं आता, ऊपर से और फैला लेती अपने मुंह पे। आ रहे हैं पापा, कपड़े चेंज करके आ रहे हैं। आ लिए भाई, आ लिए। आ क्या बनाया भाई आज मुंह का यो? आ कपड़े भी गंदे। हाँ ये कपड़े किस में किए इनने? अनार खाया था ना आज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो गाइस गुड नाइट, बहुत लेट हो चुका है, आशीष आ गए नाइट ड्यूटी करके और अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, तो चलिए सो जाते हैं, है ना कुकू? सोई सोई कहते हैं अब, गुड नाइट बोल दे सबको।